दोस्तों, ये बात शायद आपको ना पता हो कि पुराने समय में लोग सोने के सिक्कों जैसा खजाना अपने घरों में रखा करते थे, और या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों की ज़मीनों में गाड़ कर रख देते थे, जिस जगह का सिर्फ उन्हें ही पता होता था। और उनके जाने के बाद कई ऐसे खजाने उन्हीं घरों में आज भी गड़े पड़े हैं। आज हम उन्हीं खजानों के बारे में आपको बताएंगे जो कि पुराने ज़माने में गड़े गए थे, लेकिन आज के दौर में वो खजाने लोगों को मिले थे। तो आइए जानते हैं कि वो लोग कौन हैं और उन्हें वो खजाने मिले कैसे। नंबर एक, दोस्तों मिलिए निक मीट से। दरअसल ये पुराने मिलिट्री टैंक्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें रिफर्निश करते हैं। दरअसल इनकी कंपनी अमेरिका में लोगों को टैंक की सवारी कराकर उनका शौक पूरा करते हैं। सन 2017 में इन्होंने एक पुराना टैंक खरीदा, लेकिन ये किसे पता था कि ये टैंक निक की जिंदगी को ही बदल देगा। अब जब उन्होंने टैंक को रिपेयर करना शुरू किया, तब जब वो फ्यूल टैंक को साफ करके दोबारा फिट करने ही वाले थे कि फ्यूल टैंक के अंदर से 5 सोने की ईंटें बरामद हुई, और ये सोने की ईंटें 24 कैरेट गोल्ड की थी, जिनकी कीमत $12 लाख थी, जो कि 90 करोड़ रुपयों के बराबर थी। ऐसा मानना है कि ये सोने की ईंटें सोल्जर्स को इराक के किसी घर से मिली होंगी, और उन्हें छुपाने के लिए वो उन ईंटों को टैंक के फ्यूल बॉक्स में डाल दिया होगा, और ईंटों को डालने वाला सोल्जर भी जंग में मारा गया होगा। नंबर दो, दोस्तों जेमी ओलिवर दुनिया का बहुत ही जाना माना शेफ है। अब इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाने के लिए मैनचेस्टर में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहा, और उन्होंने इसीलिए एक पुरानी इमारत खरीदी। अब जब बिल्डिंग को रिपेयर करने का काम चल रहा था, तभी वर्कर्स को उस इमारत की दीवारों में से $1.5 मिलियन का सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आखिर ये आया कहाँ से। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि यहाँ एक मिडलैंड बैंक हुआ करती थी, और इस बैंक में एक सिक्योर वॉल्ट था जहाँ लोग लॉकर में अपनी कीमती चीज़ें रखते थे। अब 1989 में ये बैंक घाटे में जाने लगा, और इसीलिए इस बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। अब मिडलैंड बैंक का सब कुछ HSBC बैंक का हो चुका था, जिसमें ये बिल्डिंग भी शामिल थी। अब HSBC को ये बिल्डिंग किसी कारण बंद करनी पड़ी, और इसीलिए उन्होंने लोगों को कहा कि वो यहाँ के लॉकर से अपना कीमती सामान ले जाएं। अब ज़्यादातर लोग तो वहाँ से अपने कीमती सामान को ले गए, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो उस सामान को नहीं ले जा पाए, और शायद वो इस दुनिया से जा चुके थे। अब बैंक ने बचे हुए लॉकर्स को तोड़कर सारा सामान निकाल लिया, लेकिन कुछ बॉक्सेस और भी थे जिन्हें अगर बैंक तोड़ती तो बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंच रहा था, और नेशनल हेरिटेज वालों ने बैंक को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी, और इसीलिए बैंक के कुछ बॉक्सेस ऐसे ही छोड़ने पड़े, और 20 साल बाद वो खजाना जेमी ओलिवर का हो गया। नंबर तीन, दोस्तों स्वीडन में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और शूटिंग कर रहे लोगों को गलती से एक खजाना मिल गया, और इस खजाने में 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और बहुत सारी ज्वेलरी भी थी। इनमें ज़्यादातर खजाना एक हट के फर्श के नीचे छिपा हुआ था, और जब तहकीकात करी गई तो पता चला कि ये खजाना 19th century का है, और उस वक्त ये वाइकिंग का दौर हुआ करता था, और ये खजाना उतना बड़ा था जितना स्वीडन के गोटलैंड शहर के लोग वहाँ के बादशाह को 5 साल का टैक्स देते थे। अब इस ज़मीन के मालिक को 1.8 करोड़ रुपए बाद में दिए गए, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि ये रकम उस खजाने के सामने कुछ भी नहीं थी। नंबर चार, ईस्ट इंग्लैंड में एक बार ज़मीन के मालिक का हैमर कहीं खेतों में गुम हो गया, और उसने अपने दोस्त को कहा कि वो उस हैमर को ढूंढने में उसकी मदद करे। उसके दोस्त के पास एक मेटल डिटेक्टर था, और वो उसी से हैमर को ढूंढने लग गया। अब उसे ये नहीं पता था कि आज उसकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। अब एक जगह मेटल डिटेक्टर बहुत ज़ोरों से सिग्नल देने लगा, और जब उन्होंने देखा तो ज़मीन से एक खजाने की पेटी निकली, और उस पेटी में 14,780 गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और बहुत सारी ज्वेलरी भी थी। अब उन्होंने ये खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी, और जब आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने 60 पाउंड के गोल्ड कॉइन्स वहाँ से बरामद किए, जिनकी टोटल वैल्यू 50 मिलियन से भी ज़्यादा थी, और इंडियन करेंसी में वो 350 करोड़ रुपयों के बराबर थी। अब इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने उन्हें $2.3 मिलियन दिए, जो कि उन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे में ही बांट लिए। नंबर पाँच से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक बार एक स्कूबा डाइवर को समुंदर में गोल्ड चेन मिली, और उसकी कीमत करीब $700 थी।
अब उसने इस गोल्ड चेन को मिलने की वजह से सोचा कि शायद समुंदर में कोई बड़ा खजाना भी हो, और इसीलिए उसने समुंदर के अंदर खोज करनी शुरू कर दी। और समुंदर में उसके मेटल डिटेक्टर ने एक ज़ोरदार सिग्नल दिया, और जब उन्होंने वहां से रेत को हटाकर देखा तो वो हैरान रह गए। रेत के नीचे से उन्हें 50 से ज़्यादा सोने के सिक्के मिले, जिनकी कीमत करीब $10,00,000 थी, यानी करीब 7.5 करोड़ रुपये। अब ये सोने के सिक्के करीब 200 साल पुराने थे, और रिसर्चर्स का ये मानना है कि शायद कोई समुद्री जहाज पानी में डूब गया होगा और वो सिक्के भी समुंदर में ही धस गए होंगे। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।